मध्य प्रदेश स्थानीय निर्वाचन निर्वाचन के लिए संचार योजना। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश नियम कानून को ही मान्य किया जावे। कम्युनिकेशन प्लान, कम्युनिकेशन विचारों संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सूचना देने की गतिविधि है, जैसे कि भाषण, दृश्य, संकेत, लेखन या व्यवहार। यह दो या दो से अधिक समूह या व्यक्ति के बीच सूचना का सार्थक आदान प्रदान करता है। संचार के लिए एक प्रेषक, एक संदेश और एक गृहीता यानी कि प्राप्तकर्ता की आवश्यकता होती है। योजना आमतौर पर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले समय और संसाधनों के साथ किसी भी आरेख या चरणों की सूची है। कम्युनिकेशन प्लान हितधारकों को सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण है। प्लानिंग औपचारिक रूप से परिभाषित करती है कि किसको विशिष्ट जानकारी दी जानी है, कब उस जानकारी को दिया जाना है और सूचना देने के लिए कौन से संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। यह सभी के लिए फ्री फॉर ऑल कैजुअल कम्युनिकेशन प्लान या संचार योजना नहीं है। यह सही व्यक्तियों द्वारा सही स्थान से सही समय पर सही तरीके से सूचना प्राप्त करने या सूचना प्रदान करने के बारे में होती है। संचार योजना की जरूरत क्यों पड़ती है? एक परिपूर्ण संचार योजना एक प्रभावी चुनाव प्रबंधन प्रणाली का अनिवार्य घटक है। यह चुनावों के सूक्ष्म प्रबंधन और मध्य कार्यक्रम में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव भी प्रदान करता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी सुदृढ़ करता है। यह जरूरत पड़ने पर इंटरवेंशन के लिए प्राथमिकता तय करता है। यह आत्मविश्वास का निर्माण भी करता है। संचार योजना प्रतिक्रिया समय यानी कि रिस्पॉन्स टाइम को कम करती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है। इंडिपेंडेंट और फ्री इलेक्शन न केवल हमारा अंतिम लक्ष्य है बल्कि अपने आप में एक प्रक्रिया भी है। प्रभावी सूचना प्रबंधन इलेक्शन प्रोसेस को हर स्तर पर सक्रिय करती है। कंट्रोल रूम के संचालन के लिए 24 घंटे अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। विभिन्न टीमों में एक अधिकारी, एक सहायक और कंप्यूटर के साथ एक डाटा एंट्री ऑपरेटर रहना चाहिए। इक्विपमेंट, सुसज्जित नियंत्रण कक्ष आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में स्थापित रहते हैं। पर्याप्त टेलीफोन, टैक्स लाइनें व संबंधित मशीनें होनी चाहिए। ब्रॉडबैंड, स्कैनर आदि के साथ कंप्यूटर आवश्यक घटक है। प्रिंटर और फैक्स भी होना चाहिए। रनर, शैडो एरिया या क्षेत्रों में जहां नेटवर्क समस्याएं हैं रनर की नियुक्ति की जाती है। रनर मोटरसाइकिल या साइकिल का भी उपयोग कर सकते हैं। रनर उन क्षेत्रों में शीघ्रता से जाते हैं जहां सिग्नल उचित हैं और सूचना का प्रसार करते हैं। व्हाट टू डू इन कम्युनिकेशन प्लान, जिले में सर्विस प्रोवाइडर्स की पहचान करें। संचार नेटवर्क, टेलीफोन, इंटरनेट, वायरलेस आदि की पहचान करें। कम्युनिकेशन शैडो एरिया क्षेत्रों की पहचान करें, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ कोई भी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। व्हाट टू डू इन कम्युनिकेशन प्लान, निम्न अधिकारियों के संपर्क नंबर, उनके निवास स्थान के नंबर, कार्यालय के नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल की लिस्ट तैयार रखें। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी एवं संलग्न स्टाफ, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं संलग्न स्टाफ, रिटर्निंग अधिकारी एवं संलग्न स्टाफ, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं संलग्न स्टाफ, प्राधिकृत अधिकारी, सेक्टर अधिकारी, पोलिंग टीम, पुलिस थाना, पुलिस अधिकारी, पेट्रोलिंग टीम, वीडियोग्राफर, प्रेक्षक एवं संलग्न स्टाफ, कैंडिडेट, उनके एजेंट, सामग्री वितरण स्थल, सामग्री जमा स्थल पर संलग्न स्टाफ, कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन नंबर, स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्र के निकट रहने वाले रहवासी, अस्पताल, चिकित्सालय चाहे वो शासकीय हों या निजी, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहन,
प्रमुख गेस्ट हाउस या होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय, सुरक्षा बलों के कमांडेंट, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस के अधिकारी, समस्त शैक्षिक संस्थाएं, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टर्स, निर्बाध नेटवर्क के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ नियमित बैठक करें। शेडो एरिया क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जैसे वायरलेस, वॉकी टॉकी, रनर आदि। कंट्रोल रूम के अधिकारियों द्वारा कम्युनिकेशन प्लान में संपर्क नंबरों का सत्यापन अनिवार्यता किया जाए। डीओ, आरओ, एआरओ स्तर पर सभी कम्युनिकेशन योजना टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। संचार योजना के मॉक रिहर्सल यानी ड्राई रन करें। आरओ, एआरओ या विभिन्न जिला स्तरीय प्रकोष्ठों को कम्युनिकेशन प्लान डेटाबेस का वितरण करें। अपलोडिंग ऑफ डेटाबेस, सभी संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर आदि को संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन प्लान को चलाने के उद्देश्य से आयोग भी सुसज्जित नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम स्थापित करता है। यह कम्युनिकेशन दल जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और मतदान केंद्र स्तर पर होल डे एक्टिविटीज को ट्रैक करते हैं। प्रत्येक स्तर पर कम्युनिकेशन टीम के प्रत्येक सदस्य और मतदान केंद्र स्तर की कम्युनिकेशन प्लान के सभी संपर्क नंबर और उससे जुड़े सभी व्यक्तियों के अन्य विवरणों को संबंधित उच्च और निम्न स्तरों में जानना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान सेटअप में प्रत्येक निकाय को स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किससे बात करेगा, क्या बात करेगा और कैसे बात करेगा। कम्युनिकेशन पेशेवर और केंद्रित होना चाहिए। कोई अतिरिक्त शब्द नहीं बोलना चाहिए। चुनाव संबंधी शिकायतें फैक्स और टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इन्हें तुरंत कंप्यूटरों पर पूर्व स्वरूपित पत्रों, ईमेल और इनके साथ साथ इनका फैक्स भी करना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लान की सहायता से टीमों को पोलिंग पर्सनल, सेक्टर, पेट्रोलिंग, जोनल मजिस्ट्रेट, एआरओ, आरओ के साथ साथ संबंधित बूथ पर जनता के साथ वास्तविक तथ्यों की पूछताछ और सत्यापन करने के लिए टेलीफोन पर बात करनी चाहिए। इस प्रकार सभी शिकायतों पर एक ही दिवस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रकोशन, बातचीत को संक्षिप्त रखें। संबंधित दलों के साथ निरंतर संपर्क सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि नेटवर्क अच्छा हो। सुनिश्चित करें कि पदानुक्रम में प्रत्येक व्यक्ति जो कम्युनिकेशन प्लान का एक हिस्सा है वो कम्युनिकेशन प्लान पदानुक्रम में उसके ऊपर और नीचे सभी संबंधित व्यक्तियों के सभी संपर्क नंबरों और अन्य विवरणों के साथ पूरी तरह से आपूर्ति की गई है। इनकमिंग और आउटगोइंग फोन कॉल के लिए अलग अलग फोन लाइन रखें। मतदान केंद्रों पर पहुंचने के बाद मतदान दलों से ओके रिपोर्ट और कंफर्ट मैसेज प्राप्त करें। किसी भी स्थान पर महत्वपूर्ण घटनाओं पर फोकस्ड मैनर से नजर रखें। पोल डे एक्टिविटी, मॉक पोल के साथ मतदान की उचित शुरुआत और मतदान एजेंटों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जानकारी प्राप्त करें। वल्नरेबल एरियाज के मतदाताओं द्वारा मतदान की ट्रैकिंग करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन की शिकायत की ट्रैकिंग करें। कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। शिकायतों का निवारण करें। तकनीकी कारणों या ईवीएम की खराबी या रिप्लेसमेंट टाइम के कारण मतदान प्रक्रिया में बाधा आई हो तो तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। मतदान के दौरान किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मामलों में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जैसे मतदान प्रतिशत आदि प्राप्त करें। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान की जानकारी प्राप्त करें। जिला नियंत्रण कक्ष में जिले के प्रत्येक ब्लॉक या निकाय स्तर के लिए एक अलग रजिस्टर बना के रखें। रजिस्टर के बाएं हाथ के पृष्ठ पर मतदान केंद्र के संबंध में प्राप्त शिकायतों को लिखा जाएगा और विपरीत पृष्ठ पर इन शिकायतों पर की गई कार्रवाइयों और इन शिकायतों पर की गई प्रतिक्रिया को लिखें। इसके अलावा निरीक्षण अधिकारी द्वारा भ्रमण किए गए मतदान केंद्रों के संबंध में कंट्रोल रूम में प्राप्त किसी भी जानकारी को इन रजिस्टरों पर लिखें। पोलिंग स्टेशन वाइज कम्युनिकेशन प्लान का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
आरओ लेवल का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लेवल का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन लेवल का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन प्लान को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर देख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।